एक अपन आज बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को कौन, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? वितरण, वितरण। यानी कि यस ये सर। ऐसे प्रोनाउंस होते हैं मतलब जिनको अपन एक तरीके से थोड़े से या ज्यादा से या प्रत्येक इस तरीके से जो शब्द आते हैं ना उनको अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सॉरी, हाँ सर डिस्ट्रीब्यूटिव इसका प्रोनाउन मतलब कहते हैं। विभाजित करना हाँ होता वही ना। मतलब हो गया एक तरीके से। मान लो मैंने ये कह दिया कि आइदर ऑफ यू कैन गो, तो आइदर ऑफ यू का मतलब क्या हो गया? तुम में से कोई एक। सर क्लियर हो गया बात आपको? यस तो डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया ना अपन ने एक तरीके से। सर हाँ तो ये कौन से होते हैं? यस जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, आइदर समझ रहे हैं ना? जैसे हमने कह दिया नाइदर ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज का मतलब क्या हो गया? कि लड़कों में से प्रत्येक सर को इनाम मिलता है। तो सारे लड़कों में से अपन प्रत्येक की बात कर रहे हैं यहां पर। आइदर हमने कह दिया, आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। आइदर का मतलब क्या हो गया? आइदर ऑफ दीज रोड्स का मतलब इनमें रोड में से कोई सी भी रोड। इन रोड में से कोई सी एक। हाँ कोई सी भी रोड स्टेशन की तरफ जाती है। क्लियर हुआ आपको? आइदर हमें यस एक होता नाइदर, नाइदर नेगेटिव सेंस में यूज हो जाएगा, इनमें से कोई सी भी नहीं। कोई सी भी नहीं। क्लियर हो गई बात आपको? ये अकेले ही आएंगे, ये यस सर अकेले ही आएंगे, ये तब ये प्रोनाउन का काम करेंगे। ठीक है ना? यस सर क्लियर हो गई बात आपको? यस अब सर देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यस नोट में देख लीजिए आप। ईच इज यूज्ड टू डिनोट एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स टेकन सिंगली। यानी कि हर व्यक्ति की बात होगी लेकिन सिंगुलर माना जाएगा उसको। आइदर का मतलब दो में से एक एक, कोई सा भी, या एक तो ये या वो। यस सर सर सिर्फ हाँ दो में से नहीं एक होता है कि बहुत सारी में से नहीं होता एक। दो में से एक। ओके सर हाँ और नाइदर का मतलब दो में से कोई सा भी नहीं। यस सर आइदर का नेगेटिव होता है नाइदर। यस क्लियर हो गई बात आपको? यहां पर क्लियर सर लिखा हुआ है, यस देखो आप यहां पर क्लियर लिखा हुआ सर है, आइदर एंड नाइदर शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्संस और थिंग्स। क्लियर हो गई बात आपको? ओके और जब दो से ज्यादा की हम बात सर अगर कर रहे होंगे ना तो क्या यूज करेंगे? एनी, नो वन, नन। नाइदर दो के लिए आएगा और नन दो से ज्यादा के लिए आएगा। क्लियर हो गई बात आपको? आपने बोला नाइदर दो के लिए आएगा और नन दो से ज्यादा के लिए आएगा, तो आइदर की जगह क्या आता है फिर? आइदर तो वही है, फिक्स है वो तो। आइदर तो हमेशा दो के लिए ही आएगा। एनी लगा लो आप, एनी लगा लो आप, ओके आइदर की जगह एनी लगा सकते हो। सर हाँ एनी लगा लो आप, ओके ठीक है ना? अच्छा ये जो है ना ईच, आइदर और नाइदर, ये सर एडजेक्टिव का भी काम करेंगे। लेकिन एडजेक्टिव का काम कब करेंगे? जब इनके साथ में कोई नाउन आएगा। नाउन आएगा 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 जैसे ईच बॉय, तो नाउन आ गया ना बॉय, यस सर तो ये यस एडजेक्टिव का काम सर कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब हमने कहा एट आइदर एंड वाज अ मार्बल स्टैचू। अब यहां पर आइदर का मतलब क्या है? एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात आपको? यस सर ये तो यहां पर, अब ये एंड, एंड का मतलब क्या है? सिरा, आखिरी हिस्सा। अभी आइदर ये नाउन हो गया ना, एंड नाउन के साथ में आइदर आ रहा है तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। क्लियर? सर हाँ बोलो। सर आपने तो कहा था कि इधर दो में से एक के लिए आता है, बेटा वो लेकिन सर आता है यहाँ पे लेकिन, तो हाँ बो दोनों के लिए भी आता है बेटा ये, ठीक है ना? ओके सर हाँ
अब मैं अगर यहां पर ये कह देता एट आइदर, एट आइदर ऑफ द एंड्स, समझ में आ गई बात आपको? यस सर। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा इसको ऐसे समझना पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा अपने सेंटेंस के ऊपर, आगे पीछे के रेफरेंस में भी अपने को देखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, और कोई बात? नो सर।